अभी हम आ चुके हैं बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत पर, और इसी में माता सीता ने पहली बार जो है सूर्य को अर्घ दी थी। यह है गुफा, और गुफा के अंदर आपको हम दर्शन करवा रहे हैं नरसिंह भगवान का। बिहार में काफी सारा दर्शनीय स्थान है जो कि अपना इतिहास और प्रकृति के लेके पूरा दुनिया भर में मशहूर है। उसी प्रसिद्ध स्थानों में से एक अभी हम आ चुके हैं बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत पर। ये मंदार पर्वत पे ही हुआ था समुद्र मंथन, जहाँ पे आज भी जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था उसका इतिहास और सच्चाई आज भी इस पहाड़ पे मौजूद है। गाइस, तो सभी कुछ हम आपको दिखाएंगे। मंदार पर्वत के ऊपर जाने के लिए रोपवे का भी सुविधा हो चुका है। अभी आप आते हैं तो रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं, वैसे सीढ़ी भी बना हुआ है। तो हम तो नहीं जाएंगे रोपवे से, क्योंकि अगर सीढ़ी से जाते हैं तो काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें रास्ते में, वो सभी हम दिखाते चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए टिकट घर है, जिस टिकट कुछ टिकट चार्ज है, यानी कि 120 रुपया पर व्यक्ति टिकट चार्ज है। ये रोपवे के माध्यम से आप डायरेक्ट जो है मंदार पर्वत के ऊपर जा सकते हैं और घूम के नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं रोपवे का टिकट काउंटर है, अब टिकट लेने के बाद जो है रोपवे के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे है टाइमिंग लिखा हुआ है, 2 बजे से रोपवे 5 बजे तक चलता है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ये रोपवे चलता है, बीच में 1 घंटा के लिए ये रोपवे बंद होता है। तो ये आप टाइमिंग देख सकते हैं। मंदार पर्वत के ऊपर जाने के लिए ये स्पेशल रोपवे का रास्ता है, और ये पैदल जाने का है, यानी दोनों रास्ता है, आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा रास्ता जाना है। हालांकि रोपवे से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन हम जो है पैदल चलेंगे। ये मंदार पर्वत 700 मीटर ऊंचा है। अपना यात्रा को जो हम पैदल शुरू करते हैं, यहाँ से ऊपर चलेंगे और सभी ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाते हुए ऊपर चलेंगे, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारा ऐतिहासिक देखने को मिलेगा। जहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था वो भी इसी रास्ते में है, जो कि आज भी मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तो गाइस हम जा ही रहे हैं, भैया लोग काफी लोग ऊपर से घूम के आ चुके हैं। कैसा लगा ऊपर जाने के बाद? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दो तरह का। नहीं, हम लोग यहाँ पे 2-3 बार आ चुके थे, फिर मतलब काफी अच्छा जगह है, कुआं वहाँ मतलब काफी सीताकुंड देखने, ऐतिहासिक चीजों भी देखने को मिलेगा। हालांकि हम तो अभी तक सुने ही थे, पहली बार आए। चीज अच्छा लगेगा वहाँ पे पानी का, मतलब एक कुआं है ना, पीने अच्छा लगता है, पीने लायक है, पीने लायक पूरा। हमें जानकारी नहीं था, थैंक यू भैया बता दिए। अभी हम चलेंगे गाइस, और ऊपर जो भी ऐतिहासिक चीज होगा सभी कुछ हम आपको दिखाएंगे। आप नहीं से? नहीं, नहीं नहीं नहीं, तिरुपति से। ठीक है भैया, थैंक यू। यहाँ पे गाइस रोपवे का जो सुविधा है वो काफी अच्छा है, एक बार में आप 2 ही आदमी बैठ सकते हैं, तो आप रोपवे से भी आ सकते हैं। देखिए ये रोपवे ऊपर से आ रहा है, सिर्फ कोई नहीं था इसलिए ये खाली आ चुका है, और इधर से ये जा रहा है रोपवे। तो जो लोग रोपवे से आना चाहते हैं वो रोपवे से भी आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है पहाड़ का, पहाड़ पर मतलब काफ़ी ऊंचाई है पहाड़ का, तो थकावट तो हो जाएगा चढ़ते चढ़ते। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ठान के आए थे, फ़ोन वगैरह चार्ज करके आए हैं, पानी ले लिए हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे आज हम पूरा मंदार पर्वत को घूमेंगे और यहाँ का इतिहास को जानेंगे। आपको बता दें ये पूरा पहाड़ जो है सिर्फ एक चट्टान पर टिका हुआ है। शुरू में ही हमें पुजारी जी बताएं ये पूरा पहाड़ सिर्फ एक चट्टान पर टिका हुआ है। गाइस तो रास्ते में जो है आपको नींबू पानी भी मिल जाएगा, अगर चलते चलते आप लोग अगर थक जाते हैं तो यहाँ पे आपको पर 10 रुपया गिलास मिलेगा, जो कि आप नींबू पानी आप पी सकते हैं। फिर चढ़िए पहाड़ के ऊपर, उसको मेडल देना चाहिए बिहार सरकार द्वारा। देखिए अपना जानू का, सोना का, बाबू का नाम वहाँ पे जाके लिख दिया, भाई जो भी लिखा हो उसको मेडल मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों का, इस पहाड़ की खूबसूरती को जो है कुछ होशियार आदमी लोग देखिए खराब कर रहा है, अपना बाबू सोना का नाम लिख के। अभी हम लगभग कुछ दूर ऊपर चढ़े हैं गाइस, और ऊपर से जो है नीचे की खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक लग रहा है। तो नीचे से भी ऊपर का खूबसूरती आकर्षक लगता है, और ऊपर से नीचे का भी खूबसूरती काफ़ी आकर्षक लगता है। एक बात बोलेंगे गाइस, हल्के में मत लीजिएगा, हालत ख़राब हो जाता है चढ़ाई करने में। तो काफ़ी देर चढ़ने के बाद थकावट हो गया है, काफ़ी देर चढ़े हैं, इसे हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ऊंचाई है और इसे चढ़ने में थोड़ा तो परेशानी होगा आपको। जब आप मंदार पर्वत पर चढ़ रहे होंगे तो रास्ते में ये सब सच्चा मिलेंगे, जो कि इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बीच में इतना अच्छा सुविधा किए हैं कि नींबू पानी पिलाते हैं। कैसे चाचा? ओ भाई
पहाड़ के ऊपर तक ये ठेला कैसे लेके आया पता नहीं। तो रोपवे का सुविधा देखिए यहाँ तक आपको मिलेगा और इसके ऊपर भी जाने का सुविधा है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। ये बीच में हॉल्ट है जहाँ पे सीता कुंड है, इस कुंड को आप देखने के बाद फिर ऊपर जा सकते हैं। गाइस तो जब आप मंदार पर्वत की और कुछ दूर ऊपर चढ़िएगा तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा ये सीता कुंड। देख सकते हैं ये कुंड जो आप दिख रहा है आप लोगों को, ये है सीता कुंड। ऐसा इतिहास का कहना है, जब भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जब निकले थे तो माता सीता के साथ इस जगह पर रुके थे और इसी में माता सीता ने पहली बार जो है सूर्य को अर्घ दी थी यहाँ पर रह के। तब से लेकर आज तक इतिहास का कहना है कि इस कुंड का पानी जो है कभी सूखा नहीं है। और देखिए अभी भी इसमें पानी है, लाख बार इसको सुखाने की भी कोशिश किया गया लेकिन ये कुंड का पानी जिस जैसा था बिल्कुल आज भी उसी तरह बरकरार है। तो साइड से ये रास्ता है, आप देखिए काफ़ी लोग जो है ये सीधे होते हुए जो है मंदार पर्वत की ओर चल जाते हैं, लेकिन एक रास्ता और भी है जो इस रास्ते से होते हुए अगर चलेंगे तो रास्ते में जो है नरसिंह भगवान भी मिलेंगे। तो और भी काफ़ी अन्य देवी देवता है जो कि छोटा छोटा यहाँ पर है, पहाड़ का ही मंदिर बना हुआ है। देखते हुए चलिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप इस रास्ते से होते हुए चलेंगे। वहाँ पर भी जाएंगे लेकिन यहाँ पे पहले घूमेंगे और देखेंगे। कृपया जूता चप्पल खोल ले गाइस। तो अभी हम नरसिंह भगवान के गुफा के अंदर जा रहे हैं, पहले हम जूता चप्पल को खोल लेंगे और चलेंगे नरसिंह भगवान के दर्शन आप लोगों को करवाने के लिए। ये काफ़ी ऐतिहासिक गुफा है जो कि ये बंद है, यहाँ पे प्रतिमा है श्री नरसिंह भगवान का। ये गुफा एक पत्थर का पहाड़ है, ये पूरा मंदार पर्वत तो एक पत्थर का पहाड़ ही है। लेकिन अभी हम गए इस पर्वत पे जो एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि नरसिंह भगवान का ये मंदिर है, इस जगह का एक गुफा है जो कि काफी ऐतिहासिक गुफा है, काफी प्रचलित है ये गुफा और इस गुफा को दर्शन करने के लिए सभी लोग काफी दूर दूर से आते हैं। ये गुफा आज भी मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं नरसिंह भगवान का मंदिर। ये है गुफा और गुफा के अंदर आपको हम दर्शन करवा रहे हैं नरसिंह भगवान का। देख सकते हैं ये पूरा गुफा है, पहाड़ के अंदर में ही बना हुआ है ये मंदिर, शायद ये आपरूपी निकला हुआ था। आपरूपी है क्योंकि देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कोई डिजाइन बनाया गया है, ये आपरूपी माँ का स्थान है और आप दर्शन कर रहे हैं नरसिंह भगवान का। इस जगह पे एक साथ आप लोगों को तीन ऐतिहासिक स्थान देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले सीता कुंड है, उसके बाद है नरसिंह भगवान, उसके बाद है आकाश गंगा। ये तीनों ऐतिहासिक जगह जो है एक ही स्थान पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा देर के लिए अगर रोपवे से आते हैं तो ये स्टॉप करेगा रोपवे वाला और आप फिर ये तीनों स्थान को घूम सकते हैं, फिर अपना सफर जो है कंटिन्यू जारी रखिएगा। बीच बीच में रुक के गाइज आपको मंदार पर्वत की खूबसूरती तो दिखाना बनता है भैया, आप देख सकते हैं चारों साइड से मंदार पर्वत की खूबसूरती, इतना आकर्षक लग रहा है कि लग रहा है कि हम कहीं और आ चुके हैं बिहार से बाहर। बाद अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं एक राम भरत गुफा है। तो फिर ये गुफा को क्यों छोड़े भैया, तो इस गुफा को भी हम आपको दिखाएंगे। जिगर चाहिए, हौसला चाहिए अकेले जाने के लिए, और हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये राम भरत गुफा है, अंदर देवताओं का स्थान है आप देख सकते हैं, हालांकि इसके अंदर अब हम नहीं जाएंगे। पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ाई करते करते अगर आप थक जाते हैं तो इस तरह का काफ़ी जगह पे बैठने के लिए बनाया गया है जहाँ पे आप कुछ देर आराम कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो शुरू कीजिए अपना यात्रा। तो भैया सच बताते हैं मंदार पर्वत चढ़ने में हकीकत में काफ़ी एनर्जी चाहिए और ऊपर वाले का शक्ति अगर आपको मिले तो आसानी से आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी सौभाग्य वाले लोग होते हैं जो कि एक सांस में और एक बार में ऊपर तक पहुंच पाते हैं।